गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कशन की थी और उसके आगे की प्रॉपर्टी हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। जो अगली प्रॉपर्टी हमारी है वो हमारी है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। इसका हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इधर कन्वर्ट कर लो तो कॉस y इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ से माइनस कॉस y इक्वल टू हो जाएगा x के। और हमें पता है कि माइनस कॉस y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस y, यहाँ हो जाएगा कॉस पाई माइनस y इक्वल टू x, क्या हो जाएगा cos pi माइनस y इक्वल टू किसके हो जाएगा, x के हो जाएगा। y pi माइनस y इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, क्या हो जाएगा pi माइनस y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x। तो y की वैल्यू क्या है हमारी, तो y की वैल्यू आप बताओगे क्या है, cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, पाई माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस x। ये हमारी आज की पहली प्रॉपर्टी है जिसका रहा प्रूफ आपके सामने। इसके बाद हमारी इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जिसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है sec इनवर्स माइनस x इक्वल टू होगा पाई माइनस sec इनवर्स x के। तो ये कुछ कुछ वैसे ही दिख रही है क्या, तो जैसे उसका प्रूफ किए वैसे इसका भी प्रूफ करेंगे। तो हम लोग यहाँ लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू sec इनवर्स माइनस x, यहाँ से sec को ट्रांसफर कर लो, sec y इक्वल टू हो जाएगा माइनस x, sec y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का x, यहाँ से माइनस sec y इक्वल टू हो जाएगा हमारा x। तो यहाँ तक हमें पता है कि माइनस sec y क्या लिख सकते हैं, आप बताओगे कि sec pi माइनस y इक्वल टू हो जाएगा x के। भैया अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे कि उत्तर ट्रांसफर कर दो इसको, pi माइनस y इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स x के। तो y की वैल्यू क्या है हमारी, sec इनवर्स माइनस x, sec इनवर्स क्या होगी माइनस x और sec इनवर्स x, इसको इधर ट्रांसफर कर दो उसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो पाई माइनस sec इनवर्स माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec इनवर्स पाई माइनस sec sin sec इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स माइनस x के। इसको हमने इधर ट्रांसफर कर लिया उसको इधर ट्रांसफर कर दिया, ये हमारी क्या हो गई इसकी सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हमारी है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होगा, आज की हमारी जो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है वो ये है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होगा माइनस कॉट इनवर्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसका भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जैसे हम लोगों ने पीछे वाली आइडेंटिटी का प्रूफ किया डिक्टो वैसे ही इसका भी प्रूफ करेंगे। कैसे, लेट y इक्वल टू cot इनवर्स माइनस x, तो यहां से हो जाएगा cot y इक्वल टू माइनस x, तो यहां से हो जाएगा माइनस cot y इक्वल टू x। इसको क्या लिख सकते हैं, cot pi माइनस y, इसको क्या लिख सकते हैं cot pi माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा x के। तो इसको इधर ट्रांसफर कर दें क्या हो जाएगा, pi माइनस y इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स x के। और अभी हमने y की वैल्यू देखी थी क्या थी, cot इनवर्स माइनस x इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स x के। इसको आप इधर ट्रांसफर कर दो उसको इधर ट्रांसफर कर दो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस
एक्स, ये हमारी कौन सी हर नंबर प्रॉपर्टी आज ली थी। इसके आगे कुछ प्रॉपर्टी और है जिसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी है साइन स्क्वायर है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई टू के होगा। तो कैसे करेंगे इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, याद हो जाएगा x इक्वल टू साइन वाई। अच्छा भैया आप इसे अगर पूछा जाए तो x इक्वल टू क्या, इसको कॉस पाई बाई टू माइनस वाई लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे हाँ जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस पाई बाई टू माइनस वाई क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम। अब कॉस को इधर ट्रांसफर कर ले, तो आप याद बोलोगे कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू किसके हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस वाई। यहाँ से कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस वाई के, समझ रहे हो। तो ये क्या हमने क्या किया, हमने यहाँ से लेट कर लिया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन वाई एक्स इक्वल टू, यहाँ साइन वाई हमने क्या लिखा, कॉस पाई बाई टू माइनस वाई, क्योंकि कॉस पाई बाई टू माइनस वाई क्या होगा, साइन वाई होगा, हमने फिर कॉस को इधर ट्रांसफर कर दिया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वाई। और वाई की वैल्यू अभी हमने देखी थी क्या थी, वाई की वैल्यू अभी हमने देखी थी कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू माइनस, अभी y को हमने देखा था साइन इनवर्स क्या है, x है, साइन इनवर्स x को इधर ट्रांसफर कर दो, यहां हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। सिमिलरली देखो ये प्रॉपर्टी प्रूव कई, सिमिलरली कुछ और प्रॉपर्टी है जो आपको घर में ट्राई करिएगा, ना आए तो बताइएगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू होगा पाई बाई टू के, ये आप लोग घर में ट्राई करिएगा। इसके बाद cosec inverse x प्लस sec inverse x इक्वल टू होगा पाई बाई टू के, इसको भी आप घर में ट्राई करिएगा, अगर ना आए तो भी कमेंट में बताइएगा, आप इसको घर में प्रूफ करिएगा, जैसे इसका प्रूफ किए हैं वैसे ही इसका भी प्रूफ होगा। ओके, थैंक यू क्लास।